नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और हाल ही में साउथ अफ्रीका के लिए चुने गए उप कप्तान ऋषभ पंत के साथ हुआ है एक बहुत ही बड़ा धोखेबाजी। जी हां, एक पूर्व क्रिकेटर ने 1,63,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है पंत के साथ। ये धोखा मृणांक सिंह ने किया है, जिसने पंत को अच्छी कीमत पर महंगी घड़ियां दिलाने की पेशकश की थी। इसके अलावा मृणांक ने पंत से गहने सहित शानदार वस्तुएं भी ली, जिसे उसने लौटाया नहीं। जी हाँ, ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे आईपीएल में लेकर उनके एक फैसले को, और उसके बाद प्लेऑफ में हुए उनके खराब प्रदर्शन और खराब अंपायरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस समय सुर्खियों में। और आज 1,63,00,000 की चपत लगने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हैं ऋषभ पंत। बता दें, आने वाले समय में ऋषभ पंत भारत के कप्तान बन सकते हैं और अभी फिलहाल उपकप्तान के लिए उनका चयन हो चुका है। ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके साथ जो हुई धोखाधड़ी में हरियाणा पुलिस ने बताया जिस स्टेटमेंट में कि किस प्रकार से बाउंस चेक के माध्यम से ऋषभ पंत के साथ 1,63,00,000 रुपए की ठगी जो है की है मृणांक सिंह ने। फिलहाल मृणांक सिंह ऑलरेडी जेल में बंद है और उनके ऊपर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।